और तीर्थ स्थल में रात दिन का फर्क है। पर्यटन स्थल घूमने फिरने मौज शौक के लिए, और निर्दोष यदि उसका आलंबन हो, पवित्र आलंबन हो, तो फिर भी थोड़ी बहुत मन की शांति मिल जाती है। लेकिन तीर्थ में जाने से आत्मा भव संसार से तिर जाती है। इस संसार में कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई पशु है, कोई इंसान है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई खूबसूरत है, कोई बदसूरत है, इसके पीछे का कारण व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं। बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। यह संदेश तीर्थों में मिलता है। तीर्थ में जाते ही व्यक्ति निष्पाप बनने की भावना रखता है। तीर्थों में जाते ही व्यक्ति बुरे काम, पाप, हिंसा, चोरी, लूट, दुराचार, अनाचार, इससे मुक्त बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए तीर्थों में जाता। भारत भारत के रूप में विश्व गुरु है तो इसके पीछे का मूल कारण हमारे पवित्र तीर्थ है। और उसकी पवित्रता जब तक बरकरार रहेगी, भारत को कोई उंगली नहीं लगा सकता।